तो यो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हो। ऐसे कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपके लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस 100% जरूर इंक्रीज होगी। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी सेटिंग्स मिस आउट ना कर दो। पर उससे पहले, मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म इंडिया यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये करना है कि आप जब भी अपने लैपटॉप में गेम्स या फिर कोई भी हैवी वर्क कर रहे हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपके लैपटॉप हमेशा चार्जर में कनेक्ट रहना चाहिए। इससे ये होता है कि आपके लैपटॉप को पावर सप्लाई मिलने की वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर पाता है। वैसे आपको ये सब बात तो पता ही था होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं रहता। तो गाइस, नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपके लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस मोड में है या फिर बैलेंस मोड में है। इसे चेक करने के लिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बैटरी वाले आइकन दिख रहे हैं, उस पर राइट क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे पावर ऑप्शंस लिखा है, उसे लेफ्ट क्लिक मारना है इसमें। फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लैपटॉप जिस भी परफॉर्मेंस मोड में है वो दिख जाएगा आपको। अगर आपका लैपटॉप बैलेंस मोड में है तो इसे आप हाई परफॉर्मेंस में कर लीजिएगा, जिससे कि ये फुल एनर्जी यूज़ करके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो ये कर लेने के बाद गाइस, आपको रियल सेटिंग्स बताता हूँ जिससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ हो जाने वाली है और परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपके पास एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है तो आपके लिए मैं कुछ सेटिंग्स बताऊँगा जिससे कि आप अपने गेमिंग के परफॉर्मेंस आसानी से इंक्रीज कर पाओगे। और अगर आपके पास AMD का ग्राफिक्स है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो, जिससे कि मैं AMD ग्राफिक्स सेटिंग्स के लिए भी कुछ वीडियो बना सकूं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पे NVIDIA कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे से कुछ सेटिंग्स चेंज करना है। तो मैं जैसे सेटिंग्स कर रहा हूँ ऐसे ही करिएगा आप भी। तो ये देख सकते हो आप, इसमें यूज माई प्रेफरेंस एम्फसाइजिंग इसमें करके आपका अगर क्वालिटी या फिर बैलेंस में होगा तो आपको इसमें परफॉर्मेंस में कर देना है। यूज़ माई प्रेफरेंस एम्फसाइजिंग में परफॉर्मेंस में कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है। तो गाइस, इसे अप्लाई करके आपको यहाँ पे मैनेज 3D सेटिंग्स आ रहे हैं, उस पर चले जाना है। फिर अगर आपका यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट पे है तो आप इसे हाई परफॉर्मेंस NVIDIA प्रोसेसर पे कर दीजिएगा। ये मैंने कर लिया। तो इसे हाई परफॉर्मेंस NVIDIA प्रोसेसर में करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करना होगा। तो मैं जो जो कर रहा हूँ आपको भी वही करना होगा। तो देखिए, मैं जो जो सेटिंग्स कर रहा हूँ आप भी वही सेटिंग्स अप्लाई करिएगा। तो इमेज शार्पनिंग को आपको शार्पनिंग ऑफ ही रखना है, एम्बियंट ऑसिलेशन जितने भी दिख रहे हैं इसे ऑफ ही रखना है। आपको नीचे आ जाना है, ये दिख रहा है आपका OpenGL रेंडरिंग GPU, इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसे GeForce GTX, आपका जो भी NVIDIA ग्राफिक्स है उस पर सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको ये पावर मैनेजमेंट मोड दिख रहा है, उसमें आपको प्रीफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको नीचे चले जाना है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी, तो टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट कर लेते हैं हाई परफॉर्मेंस पे। तो गाइस, हाई परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो गया है। तो बस गाइस, आपको इतने ही सेटिंग्स करना है, फिर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, आपका ऑटो सिलेक्ट पे है तो इसे आप GeForce GTX में कर लीजिएगा, आपका NVIDIA ग्राफिक्स में। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो बस गाइस, आपको बस इतनी सेटिंग्स चेंज करनी थी। अब आप देख सकते हो कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस 100% इंक्रीज हो चुकी है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो बस गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके लैपटॉप में थोड़ी सी भी गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होते हुए नज़र आई तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए गुड बाय।